একুশে জুলাই দুইজন ধর্ষণকারীকে গ্রেপ্তার করলো রামনাথপুর পুলিশ। এই উপলক্ষে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে হাইলাকান্দি পুলিশ সুপার গৌরব উপাধ্যায় জানান যে গত 15 জুলাই রামনাথপুর থানাধীন কাঞ্চিলরা গ্রামে 13 বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে দুই যুবক। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये जो कुछ दिन पहले 15 तारीख को रामनाथपुर क्षेत्र में एक नाबालिका का जो बलात्कार हुआ है, तो उसका जो कल्पित है वो गिरफ्तार किया गया है, तो उसका बारे में थोड़ा सा हमारा आनंद भारत को आप जानकारी दीजिए। 15 जुलाई को लगभग दोपहर 3 बजे के आसपास कामजीवला गांव, जो कि रामनाथपुर पुलिस के अंदर आता है, वहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि 13 साल की बच्ची के साथ कुछ दो अडल्ट लड़कों ने गलत काम किया। तो क्योंकि गवर्नमेंट और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड और वूमेन के खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त है, हम लोगों ने इमीडिएटली बहुत मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया। मैं खुद भी सीन ऑफ क्राइम पर जाके रेड संबोधन की और अल्टीमेटली कल रात को हम लोगों को सफलता मिली। हमने दोनों मेन अक्यूज सलामुद्दीन और अबुल हुसैन, जो उसी गाँव के रहने वाले हैं, उनको अप्रिहेंड किया है और आज उनको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश किया जाएगा? पेश हो चुके होंगे। हो चुका है। धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। नमस्कार।